हेलो एवरीवन, हमारा नेक्स्ट चैप्टर है देसी रियासतें। लेकिन उससे पहले जस्ट पहले वाले चैप्टर का रिवीजन, कांग्रेस का त्रिपुरी संकट 1939। 1938 में हरिपुरा में अधिवेशन होता है। हरिपुरा कहाँ है? गुजरात में। ठीक है, पहली बार सुभाष चंद्र बोस जो हैं वो निर्विरोध अध्यक्ष चुने जाते हैं। अगले साल 1939 त्रिपुरी यानी जबलपुर मध्य प्रदेश में दो लोगों के बीच में गंभीर घमासान युद्ध होता है, वो है पट्टाभि सीतारमैया और सुभाष चंद्र बोस। गांधी जी पट्टाभि सीतारमैया जी के साथ थे। गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस जी के बीच मतभेद हो जाता है। सुभाष चंद्र बोस जी अध्यक्षता त्याग देते हैं, उनकी जगह पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बनते हैं। सुभाष चंद्र बोस एक नए विचारधारा को जन्म देते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक बनाते हैं। उसके बाद वो दूसरे देशों की यानी कि इंग्लैंड के विरोधी देशों की सहायता लेने का उनका विचार जागृत होता है। वो अब इसमें कुछ नया करना चाहते हैं। आ जाते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, हमारे देसी रियासतें। इस चैप्टर में ये ऐसे दिया हुआ है कि देसी रियासतों के मतलब से संबंधित जो भी तथ्य, जो भी चीज़ें हुई उनको एक साथ करके दे दिया है। ठीक है, जैसे 1927 में बटलर समिति बनी, उसके बाद 1927 में अखिल भारतीय राज्य जन कांग्रेस बना, कॉन्फ्रेंस बना, फिर उसके बाद 1939 में भारत प्रजामंडल बना, और उसके बाद 1947 में जो तीन राज्य थे जूनागढ़, जम्मू कश्मीर और हैदराबाद, इन तीनों रियासत मतलब राज्य नहीं रियासत थी, इनका कैसे क्या होता है, शामिल होते हैं नहीं होते हैं आगे, ठीक है देखते हैं हम। तो देसी रियासतों में क्या होता है कि बटलर समिति का गठन होता है 1927 में। आ जाते हैं, ये हो गया 1927। ये क्या था? ये भारतीय रियासत समिति थी, इसे भारतीय रियासत समिति भी कहते हैं। इसका उद्देश्य क्या था? भारत सरकार और भारतीय रियासतों के बीच संबंधों की जांच करना था। संबंधों की जांच किसके किसके बीच? भारत सरकार, ठीक, और भारतीय रियासतें, तथा ब्रिटिश भारत और भारतीय रियासतों के बीच आर्थिक वित्तीय संबंधों को सुधारने हेतु सिफारिशें करना था। भारतीय नरेशों ने एक सुप्रसिद्ध वकील सर लेजली स्कॉट को कमेटी के सम्मुख उनका दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए नियुक्त किया। कौन सी समिति? बटलर समिति के समक्ष, ठीक है। वो जो भारतीय नरेश थे उनका पक्ष रख रहे थे, लेजली स्कॉट, ठीक है। दिसंबर 1927 में अखिल भारतीय राज्य जन कॉन्फ्रेंस, ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल कॉन्फ्रेंस का आयोजन होता है उसी 27 में, ठीक है, जिसमें इसमें विभिन्न रियासतों से आए 700 से अधिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। आप ये नाम जाना पहचाना लग रहा है, बलवंत राय मेहता, फिर मणिलाल कोठारी, जी आर अभ्यंकर ने इसके आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ब्रिटिश भारत तथा रजवाड़ों के राजनीतिक संघर्षों के साझे राष्ट्रीय लक्ष्यों को सामने रखने के लिए, मतलब जो भी ब्रिटिश भारत था और रजवाड़े थे इनके, मतलब जो भी संघर्ष थे उनके लिए, जवाहरलाल नेहरू को 1939 में यानी जब त्रिपुरी संकट चल रहा था उसी समय भारत प्रजामंडल ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल्स कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, यही है, वही है जो 1927 में बना था, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि भारतीय संघ में अधिकांश रजवाड़ों का विलय 1947 में हुआ, ठीक है। 1947 में हुआ, ठीक है। 15 अगस्त 1947 तक सिवाय जूनागढ़, जम्मू कश्मीर, हैदराबाद को छोड़कर सभी रजवाड़े भारत में शामिल हो गए थे। 15 अगस्त 1947, 1948 के अंत तक इन तीनों रियासतों को भी बाध्य होना पड़ा कि वो भारत में शामिल हो जाएं। अंग्रेजी हुकूमत ने इन रियासतों को स्वाधीनता का दर्जा देकर बड़ी पेचीदा समस्या खड़ी कर दी थी, ठीक है। अंग्रेज यही चाहते थे, लड़ते रहें, आपस में मरते रहें, किंतु राष्ट्रवादी नेतृत्व ने, विशेषकर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बड़ी सूझबूझ से इस समस्या को सुलझा दिया।
26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने भारत में विलय के लिए हस्ताक्षर पत्र प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को सौंप दिया। तो जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया कि शेख अब्दुल्ला को तत्कालीन क्या किया, तत्कालीन क्या कर दिया, जम्मू कश्मीर का प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया, ठीक है। तथा भारतीय सेना ने 27 अक्टूबर 1947 से पाकिस्तान के कबीलाई आक्रांताओं को भगाने का, ये कबीलाई आक्रांता मतलब जो भी आज के आतंकवादी वगैरह या जो भी अतिवादी थे उस समय वो थे, ठीक है। यथावत जो समझौता था 29 नवंबर 1947 को हैदराबाद रियासत, अब एक ही था जो हैदराबाद था वो बहुत ही बदमाशी कर रहा था, वो कुछ अलग ही चल रहा था उसका, वो शामिल नहीं होना चाहता था। तो फिर एक समझौता हुआ हैदराबाद रियासत एवं डोमिनियन ऑफ इंडिया के मध्य, ठीक है, हस्ताक्षर हुए। इस समझौते पर हैदराबाद राज्य के प्रधानमंत्री कौन थे, मीर लईक अली, और डोमिनियन ऑफ इंडिया के गवर्नर जनरल कौन थे, माउंटबेटन ने हस्ताक्षर किए। 1947 में तो माउंटबेटन ही थे ना, ठीक है। अब इसके क्वेश्चन से देख लेते हैं, 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था, भारत सरकार और जो देसी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना था। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ था, 1927 में हुआ था, बाद में आगे चल के इसमें जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्ष बनाए जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 1939 में भारत प्रजामंडल यानी कि सेम का जो अभी हमने देखा सेकंड क्वेश्चन ऑल इंडिया पीपल्स स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष थे, तो ये थे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर, भारतीय संघ में रजवाड़ों का विलय अधिकाधिक किस सन में हुआ, 1947 में हुआ। क्वेश्चन नंबर फाइव, राज्यों के विलयीकरण जिसके नेतृत्व में हुआ वे थे सरदार पटेल, इनके बारे में कौन नहीं जानता। क्वेश्चन नंबर सिक्स, अन्य रजवाड़ों के भारत के विलय के बाद भी किन तीन राज्यों ने भारत में शामिल होना विलंबित किया, तो ये था हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी, ठीक है, दिख ही रहा है ऑप्शन बी है। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना, इसके ऑप्शंस देखिए जरा कितने कैसे क्लोज हैं, 26 तीनों में है, अक्टूबर नवंबर 1948 48 47, तो 47 में ही बना था, ठीक है, 26 अक्टूबर 1947। क्वेश्चन नंबर एट, भारत के विभाजन के समय ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से किस एक प्रांत ने एक संयुक्त एवं स्वतंत्र अस्तित्व के लिए योजना सामने रखी, तो पंजाब था। भारत विभाजन के दौरान पंजाब राज्य ने एक संयुक्त एवं स्वतंत्र अस्तित्व की योजना प्रस्तुत की, किंतु सरदार पटेल के प्रयासों से उनके मंसूबे पर पानी फिर गया। पूर्वी पंजाब पटियाला तथा पहाड़ी राज्यों का एक संघ बनाया गया जिसे पेप्सू कहा गया। देख लीजिए कौन कौन सा है, पूर्वी पंजाब है, पटियाला है, पहाड़ी राज्य, ठीक है, पेप्सू बनाया गया। निम्नलिखित देसी राज्यों में कौन यथावत समझौते का पक्षधर था, तो वो था हैदराबाद, मीर लईक और माउंटबेटन, ठीक है। ये हो गया हमारा, नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट चैप्टर, थैंक यू।